नमस्ते, कुक विद नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मीठी मठरी बनाएंगे, जिसे आप किसी भी त्यौहार पर आसानी से डेकोरेट करके बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 1.5 कप मैदा लेंगे। अब बीच में थोड़ी जगह बनाएंगे। इसमें 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट आटा तैयार करेंगे। हमने आटा तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब आटे को थोड़ा मलेंगे। अब इसकी बड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे। अब इन्हें गोल बना लेंगे। इस तरह से सारी लोई बना लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे, थोड़ा पतला बेलेंगे। और बड़े ढक्कन से गोल काट लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। अब बीच में एक छोटे ढक्कन से गोल काट लेंगे। अब कांटे से चारों तरफ अच्छी तरह छेद करेंगे। इसी तरह हमने सारी मठरी बेलकर तैयार कर ली है। अब इनको तलेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मठरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी मठरी तलेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। बर्तन में 1/4 कप चीनी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे और चीनी घुलने तक चलाएंगे। हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। हम एक ताल की चाशनी बनाएंगे। हमारी चाशनी बन गई है। अब गैस बंद कर देंगे। मठरी को डेकोरेट करने के लिए हमने खरबूजे के बीज, अखरोट, कटे पिस्ता, केसर, ड्राई रोज पेटल, कटे बादाम लिए हैं। चाशनी में हम मठरी डालेंगे और पलट देंगे, जिससे दोनों तरफ अच्छी तरह चाशनी लग जाए। अब इसे निकालेंगे और थाली में रखेंगे। इसी तरह हम सारी मठरी को चाशनी में डिप करेंगे। पहले हम मठरी को पिस्ता से डेकोरेट करेंगे। खरबूजे के बीज डालेंगे। खरबूजे के बीज को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। दूसरी पर हम अखरोट लगाएंगे, टूटी फ्रूटी लगाएंगे, कटे बादाम से सजाएंगे
सिल्वर वर्क लगाएंगे। अब इस पर कटे पिस्ता डालेंगे, केसर लगाएंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे। आप जैसे चाहें वैसे मट्टी को डेकोरेट कर सकते हैं। कटे बादाम डालेंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे, वर्क लगाएंगे। अब हम रोज मठरी बनाएंगे, तो चाशनी में हम थोड़ा सा रोज एसेंस डालेंगे। अब इसमें मठरी डालेंगे, अच्छी तरह चाशनी लगाएंगे। अब ड्राई रोज पेटल से डेकोरेट करेंगे। वर्क लगाएंगे। हमारी मीठी मठरी बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।